राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ सोमवार को निजी अस्पताल संचालकों और डॉक्टरों ने जयपुर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उग्र होने पर पुलिस को बल प्रयोग का भी इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन धक्का मुक्की के बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इसमें डॉक्टरों और संचालकों को चोट भी आई है। आपको बता दें कि ये सभी डॉक्टर व संचालक राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल में और भी संशोधन की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर सोमवार सुबह सभी प्रदर्शनकारी स्टैच्यू सर्कल पर एकत्र हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और कुछ लोगों के उग्र होने पर पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। इससे भगदड़ मच गई, कई डॉक्टर्स घायल भी हुए। इस मामले में सरकार डॉक्टरों के साथ बातचीत कर चुकी है। इतना ही नहीं, उनके संशोधन को भी लागू कर दिया गया था। इसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा भी की थी, लेकिन इस बीच कुछ डॉक्टर्स व संचालकों ने दोबारा सरकार के खिलाफ विरोध और आंदोलन शुरू कर दिया। तो वहीं गहलोत सरकार का कहना है कि इस बिल के जरिए लोगों को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं और इलाज की गारंटी मिलेगी। तो वहीं निजी अस्पताल संचालकों का कहना है कि इस बिल के लागू होने के बाद उन्हें इलाज के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस बिल को राइट टू हेल्थ की बजाय राइट टू किल बताकर निजी अस्पतालों के डॉक्टर इसका विरोध कर रहे हैं। डॉक्टरों की सरकार के साथ पहले बातचीत हुई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। राजस्थान सरकार ने इस बिल को विधानसभा के पिछले सत्र में पेश किया था, लेकिन डॉक्टरों के विरोध के चलते सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा। इस बिल को लेकर डॉक्टरों को कई आपत्तियां हैं। इस बिल के तहत आपात स्थिति में निजी अस्पतालों को मुफ्त में इलाज करना पड़ेगा, लेकिन आपात स्थिति क्या है इसके बारे में कुछ भी ठीक से स्पष्ट नहीं किया गया है। इस बिल के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे बड़े अस्पताल में रेफर करने की यदि जरूरत पड़ती है तो अस्पताल को एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी। इस एम्बुलेंस का खर्च कौन उठाएगा, बिल में इस बात को भी स्पष्ट नहीं किया गया है। निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का कहना है कि बिल में ऐसे कई प्रावधान हैं जो उनके हितों को नुकसान पहुँचाते हैं।